नमस्कार मैं हूं आपके साथ अमन शौहर आप देख रहे हैं केके के न्यूज़ नजर आते हैं इस वक्त की कुछ बड़ी खबरों पर पंजाब की राजधानी चंडीगढ़ में मुख्यमंत्री भगवंत मान ने मंत्रिमंडल का शपथ ग्रहण समारोह हुआ जहां 10 विधायकों ने मंत्री पद की शपथ ली बता दें कि भगवंत मान की कैबिनेट में एक महिला मंत्री भी शामिल है पंजाब राजभवन में आयोजित हो रहे इस कार्यक्रम में जिन मंत्रियों ने शपथ ली उसमें आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ नेता हरपाल सिंह चीमा प्रमुख हैं। इस नई सरकार में बलजीत कौर एकमात्र महिला मंत्री हैं। पंजाब के सीएम मुख्यमंत्री मान ने शनिवार को अपने मंत्रिमंडल में शामिल होने वाले दस विधायकों के नाम और उनकी तस्वीर ट्वीट पर साझा की थी बता दें कि शनिवार को शपथ लेने के बाद पहली बार आप सरकार की कैबिनेट बैठक होगी उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव के नतीजों के बाद राज्य में बड़ा सियासी उलटफेर फेर होने की संभावना जताई जा रही है मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक राज्य में समाजवादी पार्टी के साथ चुनाव लड़कर छह सीटों पर जीत दर्ज करने वाले ओम प्रकाश राजभर की पार्टी सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी अब एनडीए में शामिल हो सकती है चर्चा है कि राजभर को योगी आदित्यनाथ की नई सरकार में जगह मिल सकती है गौरतलब है कि राजभर पहले भी योगी कैबिनेट में मंत्री रह चुके हैं और बीजेपी से नाराजगी के बाद उन्होंने अखिलेश यादव की समाजवादी पार्टी के साथ गठबंधन कर विधानसभा चुनाव लड़ा था बता दें कि राज्य में चुनावी परिणामों के बाद से ही ओपी के नंबर पड़ गए थे बता दें कि जबकि वो चुनाव प्रचार के दौरान भी बीजेपी सरकार को राज्य की सत्ता से बाहर करने के दावे कर रहे थे वहीं राज्य में समाजवादी पार्टी के साथ गठबंधन करने के बाद भी सुबह सपा को ज्यादा फायदा नहीं हुआ और वो छह सीटों पर ही जीत दर्ज कर सकी लिहाजा चुनाव के बाद बनी परिस्थितियों को देखते हुए राजभर ने अपने तेवरों में नरमी दिखाना शुरू कर दी थी चीन के राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकार ने शनिवार को चीन में कोरोना वायरस संक्रमण से दो लोगों की मौत की पुष्टि की है जो जनवरी में 2021 के बाद से मृतक संख्या में दर्ज पहली बढ़ोतरी है बता दें कि चीन में कोरोना वायरस ने ओमिक्रोन वेरिएंट से संक्रमण में काफी मामले सामने आए हैं संक्रमण से दोनों मौत उत्तरी पूर्वी जिलिन प्रांत में हुई है बता दें कि जिसके बाद से देश में मृतक संख्या बढ़कर चार हो गई है चीन में शनिवार को संक्रमण के दो नए मामले सामने आए थे जो संक्रमण के सामुदायिक प्राप्त से जुड़े हैं बता दें कि इनमें से अधिकतर मामले प्रांत से सामने आए हैं संक्रमण के प्रसार को रोकने के लिए प्रांत मन यंत्रा मन यात्रा प्रतिबंधित लगाए गए हैं और लोगों को यात्रा के लिए पुलिस की अनुमति लेना अनिवार्य बनाया गया है बता दें कि चीन के वुहान से 2019 के अंत में फैले संक्रमण के बाद से अब तक 4636 लोगों की मौत हो गई है बता दें कि इन आंकड़ों को अप्रैल 2022 में एक बार फिर अद्यतन किया गया था इससे पहले भी खबर आई थी कि चीन ने अंतर्राष्ट्रीय यात्रा पर पाबंदी लगाने वाली एवं अत्यधिक आलोचना का सामना कर रही अपनी जीरो कोविड नीति के ढील देने से शुक्रवार को इनकार कर दिया था विवेक अग्निहोत्री के डायरेक्शन में बनी फिल्म द कश्मीरी फाइल्स का बॉक्स ऑफिस पर ललकार जारी है बता दें कि फिल्म के आठवें दिन 100 करोड़ का कलेक्शन कर सभी रिकॉर्ड्स तोड़ दिए हैं इतना ही नहीं द कश्मीर फाइल्स ने आठवें दिन की कमाई के मामले में आमिर खान की दंगल का भी रिकॉर्ड तोड़ दिया है ट्रेंड एनालिस्ट तरण आदर्श ने ट्वीट कर लिखा द कश्मीर फाइल्स ने इतिहास रच दिया है आठवें दिन फिल्म ने उन्नीस दशमलव पंद्रह करोड़ रुपए कमाए ये कलेक्शन बाहुबली टू जिसने उन्नीस दशमलव पचहत्तर करोड़ के करीब कमाई की थी और दंगल उन्नीस दशमलव पाँच नौ करोड़ रुपए से ज्यादा हुई थी ये दोनों ही फिल्में आइकॉनिक हिट्स हैं द कश्मीरी फाइल्स ऑल टाइम ब्लॉक फिल्म की लिस्ट में शामिल हो गई है दूसरे हफ्ते में फिल्म ने शुक्रवार को उन्नीस दशमलव पंद्रह करोड़ कमाए भारतीय बाजार में फिल्म का कुल कलेक्शन एक सौ करोड़ हो गया है केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जम्मू में केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल के स्थापना दिवन पर शामिल हुए बता दें कि शाह ने कहा कि नरेंद्र मोदी के भारत का प्रधानमंत्री बनने के बाद जम्मू कश्मीर की हालत में सुधार हुआ है इस कार्यक्रम के बाद केंद्रीय गृह मंत्री जम्मू कश्मीर की सुरक्षा समीक्षा की बैठक में हिस्सा लेंगे इस बैठक में उनके साथ मिलिट्री फोर्सेस यूटी पुलिस और जम्मू में तैनात सुरक्षा एजेंसियों के प्रमुख भी शामिल होंगे बता दें कि जम्मू के एम स्टेडियम में, में आयोजित इस समारोह से पहले सीआरपीएफ जवानों ने अमित शाह को गार्ड ऑफ ऑनर भी दिया बता दें कि कार्यक्रम को संबोधित करते हुए शाह ने कहा कि 2014 में नरेंद्र मोदी के भारत का प्रधानमंत्री बनने के बाद जम्मू कश्मीर की स्थिति में सुधार हुआ है उन्होंने कहा कि लोकतंत्र को जमीन पर पहुंचाने में मोदी सरकार को बड़ी सफलता मिली है जम्मू कश्मीर में सबसे बड़ी सफलता है कि हमारे बलों में आतंकवाद को नियंत्रित करने में सफलता हासिल की है इन खबरों पर फिलहाल बस नहीं। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ और देखते रहे केकेडी न्यूज